अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ताज किचन। आज हम बनाने वाले हैं मजेदार मटर पनीर का सालन, वो भी मेरे अंदाज में। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पनीर 200 ग्राम्स, हरा धनिया, पाव स्पून हल्दी, एक स्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक स्पून जीरा, दो स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ हमने ले लिया है तकरीबन 150 ग्राम मटर, आप चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और प्यूरी, चलिए प्यूरी बनाने की रेसिपी देखते हैं। पहले प्यूरी के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 टमाटर, एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार। प्यूरी के लिए पहले हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। देखिए प्याज हल्की ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब आप इसमें ऐड कर ले अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब आप इसमें ऐड कर ले टमाटर। और नमक स्वाद अनुसार। और 2 से 3 हरी मिर्च। अब हम कढ़ाई को कवर कर लेंगे और टमाटर के गलने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, यहाँ हमने बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। मटर पनीर बनाने के लिए कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे 1 स्पून ऑयल। ऑयल में आप ऐड कर लें 1 स्पून जीरा। अब इसमें ऐड कर लें लाल मिर्च का पाउडर और इसमें इमीडिएटली ऐड कर लें आप टोमेटो प्यूरी। अब आप इसमें ऐड कर लें धनिया पाउडर। आप इसको इसी तरह से कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए पका लें। देखिए साइड से थोड़ा ऑयल निकल रहा है, यानी आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर लेंगे मटर। मटर को ऐड करे हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश पनीर। पनीर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप वाटर। Thank you.
अब हम इसको कवर कर लेंगे। वाह, देखिए ग्रेवी में कितना अच्छा बॉईल आ गया है। अब आप इसमें ऐड कर लें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को ऑफ कर लिए और इसको गार्निश कर लिए हरे धनिया के साथ। और मजेदार मटर पनीर का सालन बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है मजेदार मटर पनीर का सालन। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए फिर आऊंगी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।